किसी को ढूंढ रही थी और जिसको ढूंढ रही थी शायद वो आपके सामने से गुजर भी रही थी। मेरी नजर से तो इसे ही ढूंढती रहती है टाइम हमेशा हमेशा ही ढूंढते रहती है। ओ दिन रात जागते सुबह सोते जागते पूरा टाइम सिर्फ उसके फोकस में काम वाम तो करते नहीं सब मतलब हम लोग सिर्फ दिमाग में सिर्फ जय 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 फिलहाल के लिए सिर्फ वही वही घूम रही होती जिसको नजर ढूंढ रही थी सामने आ भी गई लेकिन कुछ बोलने से कतरा रहे थे शायद कुछ टिकट वगैरह आपने दे। आजकल मुझे बहुत ज्यादा भाव नहीं मिल रहा। इनफैक्ट ऐसा चल रहा ना अभी मतलब ऐसे होता है ना काले बादल मंडरा रहे हैं प्यार मोहब्बत में दूर दूर तक कोई उसका याददाश्त शायद अब तक वापस आई नहीं है जाए इनकी नहीं एंड एज ऑफ नाउ ही शी फाइंड्स हिम लाइक अ वेरी एक तो निकम्मा टोटली हमेशा स्टेयर करते रहता है उसे समझ में नहीं आता लाइक क्या है एनी गर्ल डजंट लाइक ना कोई गाय से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट से देखते हैं ऑलवेज लाइक हु इज दिस गाय व्हाई इज ही वाचिंग मी क्यों देख रहा है कभी इधर ही हर चीज में काम अड़ाता है मतलब ना कड़ाता है अपनी क्यों नहीं करता ज्यादा ही हेल्पफुल बनने की कोशिश करता है तो आजकल ऐसे मेंढक बुलाया जाता है इमेजिन करो आई नो रंजीत कुमार जो एक एक्टर है एंड यू नो जय टू बी इन हर गुड बुक्स वो टिकट लेके आए उसकी मूवी की यू नो इम्प्रेस हो जाएगी बट I don't think इतनी ज़्यादा impressed भी होती है। नहीं नहीं नहीं। You smile लिया था देखता हूँ। Smile हाँ। After time she's frowning at me हाँ। Movie का नाम बता दीजिए क्या थी movie का। मैं ना भूलूंगा। Imagine करो मतलब मैडम की याददाश्त चली गई तो film गई है। But I think that's the good part that you know even if you go to see actually the writers you know the film name could be anything. Anything. Could be anything. But just because उनकी याददाश्त की फिल्म का नाम भी मैं ना भूलूंगा तो लगता है जो मैं ना भूलूंगा देखकर इनको कुछ नहीं 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 definitely I don't think so अभी नहीं अभी तो एक मूवी देखने से जय is not gonna like you know like suddenly be like oh wow जय is so nice अब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब जय को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी बहुत पापड़ बेलनी पड़ेंगी to actually see to it that she falls in love जब जय एंड जया की स्टोरी शुरू हुई थी दे वर ऑलरेडी इन लव सो नाउ यू विल गेट टू सी हाउ दे फॉल इन लव अगेन सो इट विल बी वेरी नाइस टू वॉच आई फील First of all, thank you. Yeah, the response has been very good right from the time we started. The best part is that honestly, जब वो upward trend दिखता ना response का तो और अच्छा लगता है. तो हमने शुरू किया था यहाँ से अब हम बढ़ के और थोड़ा ऊपर चले गए. तो that is a very very good feeling. So thank you so much for that. And I think specially this part where जो ऑलरेडी टेलीकास्ट हो गया जहाँ पे जय ने दरवाज़ा खोल के देख लिया है हमारी अमीरी दिख गई है असलियत हम पर्दाफाश हो चुका है. This is so far, according to me, the highest ever point that you know we could have reached. मतलब अब सच्चाई तो छिप नहीं सकती. It's all there in front of you. Obviously there'll be a twist and turn जो होगा. But from here onwards, I think जैसे वो viewers का एक बार interest जागता है ना, तो पूरी team का भी interest जाग जाता है कि कहते हैं कि चलो यार और करते हैं. You know because you feel there's it's a very positive feeling. And we are all working really hard, like not just us, like everyone coming up with such great ideas. So I really feel like, you know, I just really want to thank everyone for supporting us. And I would say keep supporting us and watching us because there's a lot more in offer. Thank you. Thank you.